आई एम रितेश सा मैथमेटिक्स टीचर। बेटा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? तो सिंपल यार कि सिमेट्रिक रिलेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि जो कोई भी रिजल्ट A1 A2 बिलोंग्स टू R के लिए ट्रू होता है ना, वही रिजल्ट A2 A1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। दैट मीन्स अगर मैंने कोई भी रिजल्ट कोई भी वैल्यू 2, 3 लेके प्रूव कर दी और प्रूव हो गई, समझो हो गई प्रूव हो गई, और वही रिजल्ट 3, 2 के लिए भी प्रूव होता है तो इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। अब 2, 3 के लिए कोई रिजल्ट प्रूव होता है बट 3, 2 के लिए कोई रिजल्ट प्रूव नहीं होता है, दैट मीन्स कि वो सिमेट्रिक नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सिमेट्रिक रिलेशन का जो सिंपल मीनिंग है वो क्या होता है कि भाई आप एक रिजल्ट को अगर प्रूव करते हो तो सामने वाला भी उसकी रिवर्स वैल्यू लेके भी प्रूव होना चाहिए। बेटा अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। समझो आपका कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होना चाहिए? रिलेशन पे, राइट? तो R इक्वल टू एक्स का हमारा रिलेशन है, समझो सिंपल है कि R इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x - y इक्वल टू 0। अब बेटा समझो कि 1 to 14 में से आप अपनी चॉइस का कोई भी सेट या कोई भी वैल्यू चॉइस कर सकते हो, कोई भी ब्रैकेट चॉइस कर सकते हो 1 to 14 में, राइट? समझो मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक है तो कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स वाला कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। समझो कि मैंने यहाँ पे समझो कि 1, 2 सिलेक्ट कर लिया है, चलेगा? यस और नो? अब 1, 2 के लिए जो रिजल्ट प्रूव होता है ना, वही रिजल्ट 2, 1 के लिए भी प्रूव होना चाहिए। अगर ये प्रूव होता है तो सिमेट्रिक, अगर ये प्रूव नहीं होता है तो सिमेट्रिक नहीं है, सिंपल। तो देखो 1, 2 है तो एक्स का वैल्यू क्या है? 1। तो मैंने यहाँ 3 × 1 लिख दिया। y का वैल्यू 2 है तो 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1। राइट? अब 1 = 0 हो सकता है? नहीं, 1 ≠ 0 प्रूव नहीं हो रहा है, राइट? सेम थिंग 2, 1 के लिए भी नहीं हो रहा है। 6 - 1 = 5 ≠ 0 तो सेम प्रूव नहीं हो रहा है। तो ये प्रूव नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। दिस क्वेश्चन रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है? तो इट इज वेरी क्लियर रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है, तो रिलेशन जेड पे डिफाइन है। इज दैट क्लियर? मीन्स मुझे जो भी एलिमेंट्स चॉइस करने हैं वो कहाँ से करने हैं? जेड में से करने हैं। अब मेरा रिलेशन क्या है? एक्स कमा वाई x - v y इज एन इंटीजर। मीन्स एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू जेड में से सिलेक्ट कर लो, कोई भी। कितनी पॉसिबिलिटीज होती है वी नो वेरी वेल यार। समझो कि आप 1, 2 सिलेक्ट कर सकते हो, -1, -2 सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। आप 2, -1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप -1, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सिलेक्ट कर दो, राइट? चलो तो हमने 1, 2 सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले 1, 2 ले रहा हूं, समझना है यहां पे। तो 1, 2 मैंने ले लिया तो 1, 2 तो यहां पे A1 है, ये 2 है, तो 1 - 2 क्या होने वाला है? तो वी नो वेरी वेल -1। तो -1 इज एन इंटीजर होता है, यस और नो? तो -1 इंटीजर होता है, राइट? अब इसका रिवर्स लेते हैं, समझो 2, 1 तो 2, 1 क्या होता है? 2 - 1 होता है तो 1 भी इंटीजर होता है, तो 2 - 1, 2 के लिए भी प्रूव हो जाएगा, 2, 1 के भी लिए प्रूव हो जाएगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया भाई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सिंपल समझो, -1, -2 ले लिया। अब x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2 तो इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 1। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 1। तो ये 1 जो होता है वो इंटीजर है कि नहीं है? तो 1 इंटीजर है। अब मैंने यहां पे -1, -2 ले लिया, इसका रिवर्स लेता हूं। x की वैल्यू -2 पुट कर दी, y की वैल्यू -1 पुट कर दी तो +1 हो जाएगा, तो फिर से -1। तो ये दोनों इंटीजर है कि नहीं है? दोनों इंटीजर है। मीन्स 1, 2 के लिए भी इंटीजर वैल्यू आ रही है, 2
टू वन के लिए भी इंटीजर आ रही है, माइनस वन माइनस टू के लिए भी आ रही है, माइनस टू माइनस वन के लिए भी आ रही है। दैट मीन्स आप रिवर्स लेते हो तो भी जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। एंड कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, ओके बेटा। अगर ये दो एग्जांपल आपके माइंड में आ गए ना, तो एक कंसेप्ट क्लियर। सी आर इक्वल टू क्या लिखा है समझो, एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। समझो मैं एक्स इक्वल टू ले रहा हूं सिंपली, कोई नेम लिखा हूं जॉन, एंड वाई इस लिख रहा हूं एलिजा। ओके जॉन एलिजा है, समझो जॉन एंड एलिजा वर्क एट द सेम प्लेस, जॉन एंड एलिजा वर्क एट द सेम प्लेस, राइट। ए एक साइड हो गई, समझो मैंने यहां पे एक्स एंड वाई, तो मैंने वर्ड सेट कर दिया जॉन एंड एलिजा वर्क एट सेम प्लेस। अब इसका रिवर्स दे रहा हूं, ए नाम पहले बोलो, एलिजा एंड जॉन वर्क एट सेम प्लेस। रिजल्ट में कोई चेंज हुआ? रिजल्ट में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। दैट मीन्स एक्स एंड वाई अगर आप बोलते हो प्रॉपरली, एंड वाई एंड एक्स बोलते हो प्रॉपरली, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इज इट क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल दो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। हम सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट। जॉन इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एलिजा, राइट। समझो अब इसका रिवर्स जरा बोलो तो, इसका रिवर्स बोलो तो, एलिजा इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जॉन। पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है ना। समझो एक बंदा उससे हाइट में 7 सेंटीमीटर टॉलर है, दूसरा भी तो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। दैट्स इज इट इज नॉट फेयर। समझ में आ रहा है? तो इसको रिवर्स बोलोगे, समझ में आ जाएगा कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो इसका रिवर्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये उससे टॉलर हो गया। क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। That means अगर ये सही नहीं है तो ये है सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है।